आईपीएल साल 2023 मुकाबला नंबर 12 खेला गया एल क्लासिको के बीच में, यानी मुंबई और सीएसके यानी चेन्नई के बीच में। एल क्लासिको जिन्हें फैंस ने नाम दिया है, जिनकी राइवलरी साल 2008 जितनी पुरानी है, वो मुकाबला खत्म हो चुका है और सीएसके ने बड़ी ही आसानी से 7 विकेट से इस मुकाबले को अपनी झोली में डाल लिया है और लगातार 2 जीत के साथ अपना विजय रथ कायम रखा हुआ है चेन्नई ने। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का स्पोर्ट्स नेस्ट के इस पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन वाली खास वीडियो में। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। देखिए, मैच तो हार गए रोहित शर्मा। हार के बाद रोहित ने क्या कुछ कहा, सारी चीजें आपको बताने की कोशिश करती हूं मैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रोहित शर्मा ने हार का रीजन बताया। उन्होंने कहा कि देखिए, हमने शुरुआत अच्छी करी थी, शुरुआत धमाकेदार हुई थी, लेकिन जहां हम मैच हार गए वो थे मिडिल ओवर्स। मिडिल ओवर्स में हम मैच हार गए थे। जैसी पावर प्ले खत्म हुआ वहां हम मैच हार चुके थे, क्योंकि इतने ज्यादा विकेट्स हमारे गिर चुके थे, रन हमारे बहुत ही ज्यादा कम आए पावर प्ले के बाद। साथ ही साथ उन्होंने सीएसके के स्पिनर्स की बहुत बढ़िया तारीफ करी, क्योंकि देखिए रविंद्र जडेजा ने बहुत धमाल मचाया, तुषार देशपांडे हो गए, बहुत धमाल मचाया, तो उन्होंने स्पिनर्स की बहुत ज़्यादा तारीफ करी है। उन्होंने कहा है कि उनके स्पिनर्स का बोलबाला रहा, क्योंकि हम जनरली देखते हैं वानखेड़े की जो पिच है वो फास्ट बॉलर्स को प्रेफर करती है, लेकिन इस बार कुछ अलग ही देखने को मिला। सीएसके की तरफ से स्पिनर्स ने लंका लगा दी थी मुंबई की, तो स्पिनर्स की बहुत तारीफ करी। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि देखिए, मुंबई ने गेम जरूर हारा है, लेकिन हमारे पास यंग टैलेंट भी है, हमें यंग टैलेंट को थोड़ा मौका देना चाहिए, उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए सेट होने का। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सीनियर खिलाड़ियों को भी अब गेम को सीरियसली लेने का मौका आ गया, सीनियर खिलाड़ियों को भी अब मौके पे चौका मारना पड़ेगा और शुरुआत मुझसे करनी चाहिए। यानी रोहित ने खुद का नाम दिया कि भैया मुझे भी अब रन बनाने पड़ेंगे। साथ ही साथ जितने भी सीनियर खिलाड़ी हैं मुंबई के स्क्वाड में, मुंबई की प्लेइंग 11 में, उन सभी को अब स्टेप डाउन करना पड़ेगा, इट्स हाई टाइम बेसिकली। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, अभी हम 2 मैच हारे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सब खत्म हो गया, हमने पूरा सीजन हार लिया, अभी भी हम यहाँ से एक फ्रेश स्टार्ट दे सकते हैं, एक नई शुरुआत हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए, पिछला सीजन हमारा बहुत खराब रहा था, लेकिन इस सीजन हम एक नई ऊर्जा, एक नए जोश के साथ आए हैं और हमने 5 बार ट्रॉफी भी जीती, वो भी किसी ने नहीं सोचा था। तो इस बार भी हमने 2 बार अगर हार गए हम इस अभी सीजन में, 3री बार हम एक जीत के साथ उभरेंगे। तो अभी ऐसा नहीं है कि बहुत देर हो चुकी है, हमने एक फ्रेश स्टार्ट जो है वो ज़रूर करेंगे। उसके बाद देखिए, उन्होंने लास्ट में अंत में जो है अपनी बात को वाइंड अप करते हुए कहा कि हम ये 2 मुकाबले बदल तो नहीं सकते हैं, क्योंकि देखिए एक मुकाबला मुंबई जो है आरसीबी से हार गई थी, अब जो दूसरा मुकाबला है वो सीएसके से हार गई। और सीएसके से हार का आपको बताती हूं कि भैया इस मैदान पे वानखेड़े में साल 2018 के बाद पहली बार सीएसके ने मुंबई को मुंबई के घर में हराया, तो बहुत शर्मनाक हार बेसिकली रोहित को झेलनी पड़ी है। तो रोहित ने लास्ट में वाइंड अप करते हुए यही कहा कि देखिए, 2 मुकाबले हम चेंज तो नहीं कर सकते जो हम हारे हैं, लेकिन उन गलतियों से हम जरूर सीख सकते हैं। अब जो हमारे आगे आने वाले मुकाबले हैं उसमें हम जरूर एक बदलाव के साथ उतरेंगे, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ उतरेंगे, और जितनी गलतियां हमने इन 2 मैचेस में करी हैं आरसीबी के खिलाफ और अभी सीएसके के खिलाफ, उन गलतियों को हम एक नई तरीके से देखेंगे और गलतियों में सुधार लाने की बेसिकली कोशिश करेंगे। तो यह कुछ कहा रोहित शर्मा ने, गलतियों से सीखने का वादा करा है। अब देखते हैं आगे आने वाले जो मुंबई के मैचेस हैं उसमें गलतियों से सीखते हैं या फिर से एक बार फ्लॉप शो हमें मुंबई का देखने को मिलता है। अब कमेंट्स करके अपनी राय बताइए, साथ ही साथ बताइए धोनी की टोली के लिए कितना ज़्यादा खुश हैं आप, और अगर आप मुंबई के फैंस हैं तो भैया मुझसे मत पूछिए क्या हाल होगा, आपका बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा होगा, बट सारी चीज़ें हमें कमेंट्स के जरिए बताइए। फिलहाल इस रिपोर्ट को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।